আপনারা দেখছেন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি, সর্বদা সবার পাশে সবার মাঝে। সাইবেরিয়ার শাহজাহান শেখের বাড়িতে চারজন ইডি আধিকারিক হানা দেয়, আর সেখানে আসার পরেই শাহজাহান শেখের বাহিনী আধিকারিকদের উপর হামলা চালায়। দুজনের মাথা ফেটে যায়, গুরুতর অবস্থায় তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে রাস্তায় দুটি যানবাহনের আগুন লাগিয়েছে বলে সূত্রের খবর। ঘটনাস্থলে যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে, কাউকে ঘটনাস্থলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির প্রতিনিধির বিশেষ প্রতিবেদন। আরে ওখানে দুজনকে আটকে গেছে সাংবাদিককে, তাই অন্যায় করেছে। পরে আমরা যখন হেঁটে আপনি কজন ছিলেন? আমরা টিমে আটজন ছিলাম, আটজন আছে, বাসে আসছে। আর বাকি বাকি কারা ওরকম ওখানে আছে না বেরিয়ে এসছে? যোগাযোগ নেই, কোনো যোগাযোগই নেই। আপনার কি ইডি অফিসার? দেখিয়ে সন্দেশ খালি মে জো হুয়া ও এক প্রভোকেশন কা নতিজা থা। बंगाल में जो हो रहा है रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है, ऐसा एलिगेशन हमारा पास आ रहा है। संदेश खाली में भी वही हुआ। अब देखिए शुभेंदु अधिकारी सीबीआई FIR नेम्ड, बीजेपी जिसको चोर बोला था, उसका घर में कोई रेड नहीं, लेकिन तृणमूल का घर देख के ही वो रेड करने चला जा रहा है और उस इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। हम लोग एक बात जरूर कहेंगे, ये प्रोवोकेशन का पॉलिटिक्स वो लोग बंद कीजिए और इलाका का जो सिटीजन्स है उसके तरफ हमारा जो मैसेज है जी, आप लोग किसी तरह कोई प्रोवोकेशन में आप मत पा दीजिए, मत रेस्पॉन्ड कीजिए। वो लोग प्रोवोक करना चाहते हैं और वो जो मीडिया को आदमी, मीडिया का एक सेक्शन उसके साथ मिले हुए है ये कैंपेन करने के लिए, तो आप मीडिया का ऊपर किसी तरह कोई अपना जो राग है, अपना जो खोब है, वो मीडिया के ऊपर मत कुछ कीजिए। और सेंट्रल लीडरशिप हमारा पूरा नजर रख रहा है, किसी वो लोग प्रोवोकेशन चाहता है, गोलमाल चाहता है, इसमें आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और ये जो पॉलिटिकली हम जो बैटल लड़ रहे हैं वो प्रॉपर वे से हम लड़ेंगे। वो लोग चाहते हैं गोलमाल, उसका जो ट्रैप है उस पर मत फंसिए। देखिए संदेश खाली में ईडी का जो ऑफिसर लोग थे और उनका साथ जो सेंट्रल फोर्स का आदमी लोग थे, वो लोकल पीपल को बुरी तरह इरिटेट कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, इसके लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि पूरा देश का आम आदमी ये दिल्ली मॉनिटर्ड डीप कॉन्स्पिरेसी, बिग कॉन्स्पिरेसी देखते देखते पूरी तरह थक गया। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, डेली बेसिस में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है। और अब ये देखिए जो बंदा ये सब पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया में, जिसको कैमरा का सामने पैसा लेते हुए दिखा गया, वो लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, वो करप्शन का टॉप लिस्ट में है। उनका पूरा परिवार का आदमी के खिलाफ करप्शन का आरोप है, लेकिन उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस जीरो टॉलरेंस बोलता नहीं है, करके दिखाता है, लेकिन बीजेपी का हिम्मत नहीं है जीरो टॉलरेंस टू करप्शन बोले, क्योंकि उनको मालूम है उनका 90% लीडर करप्ट है। जहाँ तक मीडिया का ऊपर
आक्रमण और हमला का सवाल है। तृणमूल कांग्रेस कभी इसको सपोर्ट नहीं करता है, तृणमूल कांग्रेस इसको कंडेम करता है। आज ए पर्यंत, संगे रखुन 24 घंटा इंडिया टीवी, देखते थाकुन सब जिलार सब खबर, सवार आगे 24 घंटा इंडिया टीवी पर्दा। नमस्कार।